महासमुंद जिले में पुलिस का खौफ अब अपराधियों पर नजर नहीं आ रहा है। जिले में लगातार चोरी, लूट, अपहरण और दुष्कर्म जैसे संगीन अपराधों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही हैं। छोटे मोटे मामलों को सुलझा कर वाहवाही बटोरने वाली पुलिस को लगातार जिले में चुनौतियों पर चुनौतियां मिल रही हैं, जिसे सुलझाने में पुलिस का पसीना छूट रहा है। नहीं, बहुत सारी चोरी पकड़ाई भी हैं, कुछ चोरियाँ निश्चित रूप से नहीं मिली हैं जिनमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और कुछ चोरियाँ मिली हैं, कुछ नहीं मिली हैं। जो अभी अनसुलझे प्रकरण हैं उनपे पुलिस लगातार काम कर रही है, और निश्चित रूप से उम्मीद है कि आगे चल के उन पर भी हमें कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा चोरियाँ खुलासा हो चुका है, बहुत सारी चोरियाँ पकड़ी है। बीच में वाहन चोर पकड़े गए हैं, पंप की चोरी पकड़ी गई है, घरों में हुई चोरियाँ भी पकड़ी गई हैं, और जो बचे खुचे प्रकरण है उनके लिए प्रयास किया जा रहा है। नहीं, लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो भी रिपोर्ट आती है उसमें सब में पुलिस अरेस्टिंग कर रही है और कार्रवाई कर रही है। ठीक है जी, बिल्कुल। नगर में रोज हो रही चोरी की घटनाओं से, उठाईगिरी की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत और डर का माहौल बना हुआ है, आक्रोश का माहौल बना हुआ है। SP साहब ने एक बैठक की व्यापारियों के साथ में, और बैठक में SP साहब ने काफ़ी दिशा निर्देश दिए। व्यापारियों से निवेदन भी किया उन्होंने कि भाई अपने दुकानों के जो कैमरे हैं उसका एक कैमरा कम से कम नाइट विजन हो, जिसका व्यू सड़क की तरफ हो, सड़क कवर होती हो। इसके साथ साथ उन्होंने नगर के प्रमुख चौक चौराहों में भी कैमरा लगाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कुछ पॉइंट निर्धारित कर वहाँ पर लगातार गश्त करने का आश्वासन दिया है। SP साहब के आश्वासन के बाद व्यापारियों में थोड़ा सा विश्वास का माहौल बना हुआ है।